इसके बाद से आपका आता है क्विक। क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टीशन होते हैं, जो भी आपके एरे दिए होते हैं, उनको क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में पार्टीशन करके वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगता है डिवाइडर एंड क्यू का, और वहाँ से आपको उसके आंसर निकाले जाते हैं। यहाँ पे पहले आपको पाइवोट डिसाइड किया जाएगा, पाइवोट पॉइंट, फिर इसके बाद लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, इस तरह से होगा। अभी मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगी, जिससे आपको ये क्विक सॉर्ट होते कैसे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्विक सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लॉग एन, यानी कि ओ ब्रैकेट में एन लॉग एन, ये है आपका क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल है 63724, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा है राइट। ठीक है, और जो हमारे लेफ्ट पे सबसे वन पे जो होगा ना, उसको हम बनाएंगे पायोट, यानी कि जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रख कंडीशन हम रखेंगे, पी इक्वल्स टू 6 एंड आर इक्वल्स टू 5। क्या पी जो है वो छोटा है आर से? अब यहाँ पर आप देखिए, पी की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू है 5, क्या 6 छोटा है 5 से? नहीं, छोटा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, स्वैप कर लेगा पी और आर, यानी कि पी और आर आपस में स्वैप कर जाएंगे। तो स्वैप जब करेंगे तो यहाँ पर जो ये है 5 आपका, ये 5 यहाँ आ जाएगा और ये 6 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और जब ये 6 इधर जाएगा तो एक बार ये यहाँ पर पाइवोट था, स्वैप होके यहाँ पर 6 आया, ये पाइवोट जो है, सॉरी जो पी है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर से कंपेयर होगा, अब कंपेयर होगा पी इक्वल्स टू 6, अब ये पी यहाँ पे आर के पास है। ठीक है, तो ये आर के पास है तो ये आर से कंपेयर नहीं करेगा, एल से कंपेयर करेगा। एल इक्वल्स टू 5, क्या पी बड़ा है एल से? पी की वैल्यू है 6, एल की वैल्यू है 5, हाँ बड़ा है। तो ये स्वैप नहीं होगा, अगर ट्रू हो गया तो स्वैप नहीं होगा, सिर्फ ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, मूव कर जाएगा, यानी कि जब यह एल यहाँ है वो एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर से वो कंपेयर करेगा 6 और 3 में कंपेयर करेगा, तो 6 जो है हमारा वो बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर फिर से यस हो जाएगा, फिर ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, 7 पे आ जाएगा। ठीक है, 7 पे आ गया। अब यहाँ पर फिर से पी की वैल्यू अभी 6 ही है, एल की वैल्यू 7 है। P कब चेंज होगा, जब स्वैप होगा तभी P की वैल्यू, P जो है अपना चेंज हो रहा है पोजीशन, अदरवाइज उसका जो पोजीशन है वही रहेगा। तो अभी आपकी जो यहाँ पर चेक होगा कंडीशन, P क्या ग्रेटर देन है L से? P की वैल्यू है 6, L की वैल्यू है 7, तो यस, ये तो फॉल्स हो गया आपका यहाँ पे, क्योंकि जो 7 है वो आपका बड़ा है। तो यहाँ पे आपका स्वैप होगा P और L में, तो यहाँ पर P और L की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका है ये 7 यहाँ चला जाएगा और ये 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया अरेंज। अब ये जब स्वैप होने के बाद ये 6 यहाँ आया है तो साथ में पी भी आ गया है और एल आपका अब यहाँ पे है। तो यहाँ पर चेक होगा, पी की वैल्यू अभी आपकी 6 हो गई और आपका आर की वैल्यू हो गया 7। क्या जो 6 है वो आर से छोटा है? यस ट्रू। तो यहाँ पर कंपेयर किससे हो रहा है, आर से हो रहा है, तो ये जो आर होगा ये मूव करेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपेयर हो रहा था एल से, तो ट्रू होने पे वो इस साइड एल मूव कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जब आपका आर से कंपेयर हो रहा है, कंपेयर होने के बाद जब आपका ट्रू हो जाएगा तो आर जो है आपका इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, तो आपका आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अभी आपका जो 6 है यानी जो एल है वो वहीं पर है, इसके आगे यहाँ पे है। आप देखो जो आपका एल है वहीं 6 पे ही है और आर आपका मूव हो गया यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ चेक होगा, पी की वैल्यू भी 6 है, आर की वैल्यू 4 है, क्या आपका जो पी है वो 6 से आर से छोटा है? नहीं, छोटा तो नहीं है, यहाँ पर कंडीशन हुआ फॉल्स, तो ये आपस में कर जाएंगे स्वैप। तो स्वैप करेंगे तो ये 6 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, और जहाँ पर 6 आया है जहाँ स्वैप करने के बाद वहीं पर आपका पी आ गया। फिर यहाँ कंपेयर होगा इधर से, कंपेयर होने के बाद यहाँ पर कंपेयर हो रहा है 6 और 4, पी की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 4 है, क्या 6 बड़ा है एल से? यस ट्रू हो गया, तो ये मूव करेगा फॉरवर्ड, तो ये जो आपका एल है वो अब आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल आ गया। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में,
एल आपके टू के पास आ गया। फिर यहाँ पे जो सिक्स और टू में कंपेयर होगा, क्या बड़ा है? तो यस बड़ा है। फिर ये आगे फॉरवर्ड करेगा इस साइड में। तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड करने के बाद आपका ये जो सिक्स है, आपका एल भी यही है, आर भी यही है, पी भी यही है। तो यानी कि जो एल है, ये जो सिक्स है, ये आपका बन गया रूट। ठीक है, ये रूट हो गया। अब सिंपल ये इसके जो ये इधर का जो लेफ्ट है वाला पार्ट जितना बचा है, ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड का, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, इसको राइट हैंड साइड में लिख लो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। सिंपल यहाँ पर अब एक बचा है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसको तो आप फिर नहीं लगाओगे यहाँ पर सॉर्टिंग। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका फिर से इतना सिक्वेंस आ गया। तो यहाँ पर आपका होगा सॉर्टिंग अगेन, जिस तरह से अभी आपने ऊपर सॉर्टिंग किया था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी सॉर्टिंग करना है इसी को भी। ठीक है, यहाँ L बनाओगे, R बनाओगे, यहाँ P बनाओगे, ये आप खुद करना। सॉर्ट करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सॉर्टिंग। तो ये आपकी सॉर्टिंग यहाँ पे ख़त्म। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पोस्ट ऑर्डर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैंने इसके आई थिंक दो या तीन क्वेश्चन देखे हैं। तो आप पोस्ट ऑर्डर के एक बार क्वेश्चंस देख लेना, वैसे तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ। ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या होगा, पहले रूट, फिर लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, फिर राइट हैंड साइड चलेगा। यानी कि पहले रूट, रूट की वैल्यू लिखाएगी, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टू है, टू लिखाएगा, फिर राइट पे तो आपका थ्री है, तो थ्री लिखाएगा। इस तरह से आपका इसका बनेगा सिक्वेंस। इन ऑर्डर में क्या होगा कि पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, फिर राइट। लेफ्ट में आपका क्या है, वन के बाद है आपका रूट, रूट है आपका टू, और उसके बाद से राइट, राइट पे आपका थ्री, इसका हो जाएगा थ्री। उसी तरह से लेफ्ट में क्या है आपका, पोस्ट ऑर्डर में आपका होगा लेफ्ट, राइट एंड रूट। लेफ्ट में आपका क्या है, वन, पहले ये वाला चलेगा, फिर उसके बाद ये राइट, फिर उसके बाद ये रूट, इस तरह से। एंड की वन, फिर टू, फिर थ्री। यहाँ पे कैसे था, वन, टू एंड थ्री, और यहाँ पे कैसे था, पहले ये रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इस तरह से चल रहा था। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी मैं पोस्ट ऑर्डर के आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, जिससे आपको पोस्ट ऑर्डर का तो क्लियर हो जाएगा, सेम आपका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने अभी सॉर्टिंग आपको पढ़ाया था, जिसको मैंने अभी यहाँ पर पीछे कुछ सॉर्टिंग के बारे में बताया, यहाँ पे उनकी मैंने कॉम्प्लिसिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन जितने भी हैं, इन सब के जो कॉम्प्लिसिटी है ये रहे, इनको मैंने यहाँ लिख दिया है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आते हैं, तो अभी तक तो हमने थ्योरी देख लिया, जितनी भी थ्योरी मैं आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर में बता सकती थी वो सारी थ्योरी यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आई थिंक वो 18 या 19 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो एरे दिया गया ए एंड बी, दोनों एरे जो एरे दिए उनको ज्वाइनिंग करने के बाद उनको सॉर्टिंग करना है, और सॉर्टिंग करने के बाद आपका लास्ट जो न्यू एरे बनेगा सॉर्टिंग करने के बाद, उस एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एरे है आपका 1, 3, 5, और सेकेंड एरे जो है 2 एंड 0, तो उसको हम एक न्यू वेरिएबल ले रहे हैं सी, और उसमें उन सभी को ज्वाइन करके लिख दे रहे हैं 1, 3, 5, 2, 0। ठीक है, अब इन्हें सॉर्टिंग करना है। यहाँ पे सॉर्टिंग किस मेथड से करना है ये कुछ नहीं दिया है, तो आप किसी भी मेथड्स करो। सॉर्टिंग में क्या है कि आपका असेंडिंग ही ऑर्डर में होना है, रिजल्ट फाइनल असेंडिंग ऑर्डर ही ना आना है, तो हमें क्या करना है, इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दोगे। अरेंज करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट होगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पर पूछा गया है, लास्ट एलिमेंट आपका 5 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछा जाता है कि लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड पे आपका क्या है, 3 है, तो आप 3 बताओगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया उस चीज़ को ध्यान देना है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 5। ये 2020 में, यानी कि शायद सितंबर के अगस्त में
ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए हैं, जो कि 2020 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी एक बार और आप लोग तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कंसीडर करना है आपको एक लिंक लिस्ट विथ फाइव नोट, जिसमें फाइव नोट होंगे, जिसका एड्रेस है फर्स्ट नोट का वो 1000 है, तो बताइए कि फोर्थ नोट पे जो होंगे उसका एड्रेस क्या होगा। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो डेटा स्टोर होता है वो डायनेमिकली स्टोर होते हैं, तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं चले क्योंकि यहाँ पे तो स्टोर जितनी भी वैल्यू होंगी डायनेमिकली होंगी, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका ट्रू हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायनेमिक डाटा स्टोर करता है। इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि विच डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंट, ये जो नीचे दिया हुआ है डायग्राम ये कौन से कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये मैंने जो आपको बताया था लिंक लिस्ट अभी ऊपर में आपको एक्सप्लेन किया था सेम वैसा ही है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एरे, दिया हुआ 28561, ये आपका एरे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि वांट टू सॉर्टिंग, इस एरे को आपको सॉर्ट करना है बबल सॉर्टिंग से, बबल सॉर्टिंग से इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद से अभी तीन पास में आपको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने के बाद से क्या आंसर आता है वो चीज़ आपको बतानी है। बबल सॉर्ट करना है तीन स्टेप में करना है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप करते हैं पहले, यहाँ पर हमने गिवन लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे आपका क्या क्या दिया हुआ है, 28561 ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमने आपको बताया था बबल सॉर्ट में क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो आपका जो 2 है वो छोटा है 8 से, तो यहाँ पर स्वैप नहीं होगा। यहाँ पाएंगे तो क्या आपका 85 से छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है, तो यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। उसके बाद से आपका कंपेयर होगा इन दोनों में, अब होगा 8 और 6 में, 8 6 में देखा जाएगा क्या 8 जो है वो 6 से छोटा है, छोटा तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये दोनों आपस में स्वैप कर जाएंगे। उसके बाद से अब आपको स्वैप होगा इन दोनों में 8 और 1, क्या 8 जो है आपका 1 से छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है, बड़ा है, तो यहाँ पे फिर ये स्वैप हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप में स्वैप करने के बाद जो आंसर आएगा वो 25618, ये आपका फर्स्ट स्टेप में आया। और आपको तीन स्टेप करने हैं, यहाँ पर लिखा है 3 पासेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको जो फर्स्ट स्टेप करने के बाद जो आया है उसी को आगे कंटिन्यू करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर से आएंगे 2 ऑफ 5 में देखा जाएगा क्या 2 छोटा है 5 से, छोटा है तो इसको स्वैप नहीं करेंगे। 5 6 को चेक किया जाएगा, क्या 5 छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, तो ये भी स्वैप नहीं होगा। लेकिन 6 और 1, क्या 6 छोटा है 1 से, नहीं ये तो बड़ा है 6, तो यहाँ पर ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 क्या छोटा है 8 से, नहीं तो यहाँ स्वैप नहीं होगा। तो ये सेकेंड स्टेप में आपका स्वैप जो हो रहा है उसका आंसर आ जा रहा है 25168, ये आपका आ गया। थर्ड स्टेप, 2 स्टेप हो गए, 1 लास्ट स्टेप बचा हुआ है। इसके बाद इसमें 2 और 5 में देखेगा तो 2 छोटा है, यहाँ स्वैप नहीं होगा। 5 और 1, 5 जो है हमारा बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर स्वैप होगा, तो 1 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा। फिर 1 और 6 में कंपेयर होगा तो 1 छोटा है, तो यहाँ पर भी स्वैप नहीं होगा। 6 और 8 में तो 6 छोटा है, तो यहाँ पर भी स्वैप नहीं होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 21568, ये आपका थर्ड स्टेप में सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर, नीचे आपको कुछ दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। यहाँ पे ग्राफ है, ट्री है, स्टैक एंड लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 यानी ग्राफ, ट्री एंड स्टैक, ये तीनों जो है आपके लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है आपका एक एरे दिया गया है, और इस एरे को 3 बार किया गया है सॉल्व, सॉर्ट किया गया है, और सॉर्ट करने के बाद से आपको ये 3 सॉर्ट करने के बाद से इतना आंसर आया, ठीक है, जो भी है लास्ट फाइनल ये रहा। तो आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक यूज की गई है यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इसको कंपेयर किया गया है स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप बाय स्टेप 3 और 5 को कंपेयर किया गया, 3 छोटा है तो स्वैप नहीं हुआ। 15 और 12 को किया गया, छोटा है तो यहाँ पर स्वैप हो गया और बाकी चीज़ें वैसे ही एलिमेंट लिख दी। फिर सेकेंड फेज में आया तो यहाँ पर अब आपका 15 और 16 को चेक किया गया, छोटा है तो स्वैप कर दिया गया और बाकी ऐसे ही। फिर यहाँ पर 13, 12 6 हो गया, 15 और 24 यहाँ पे आपका स्वैप करने के बाद ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया बबल सॉर्ट। ये टेक्निक अभी मैं आपको बबल सॉर्ट में बताई थी, यहाँ पे जो ऊपर में क्वेश्चन लगाए थे ये भी आपका बबल सॉर्ट से ही था। तो ये आपका जो यहाँ पे आंसर हो गया ये बबल सॉर्ट का हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका ट्रू हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन में डबल लिंक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें आपको फाइंड करना है वैल्यू एक्स की, यानी कि जो एक्स दिया हुआ है इस एक्स की वैल्यू कितनी है। तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें हम अरेंज करना है। तो पहले पहले और लास्ट में नल है तो इनको हम जिस डिब्बे में आपका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट नल है उसको हम फर्स्ट और लास्ट में नंबर पर रख दिए। तो ये आपका है फर्स्ट वाला जो था ये यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से आपको यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना, एड्रेस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, एड्रेस आपका 2, ये फर्स्ट नंबर पे है और ये आपका लास्ट नंबर पे, ठीक है 5 नंबर पे है। ये फर्स्ट का जो एड्रेस है वो 2 है, तो हमने भी बताया था कि जो फर्स्ट का एड्रेस होगा वो इस तरह से क्रॉस में होगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा डिब्बा उसमें आपका इसका एड्रेस होगा। तो 2 किस में है, इस वाले में, तो इस सेकेंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड नंबर पे आ गया। सेकेंड का जो एड्रेस है वो 3300 है, देखिए यहाँ पर भी आपका 300, यानी कि हमने ये डिब्बा जो लगाया है यहाँ पर सही लगाया है। उसके बाद इसका जो एड्रेस है वो 300 है। अब हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा डिब्बा जिसका 300 शुरुआत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये आपने यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, तो ये आपका 3rd नंबर पे आ गया। और ये जो 400 वो देखिए यहाँ इसमें एड्रेस किया हुआ और इसका यहाँ गया हुआ है, तो यानी कि 3rd नंबर पे जो लगा है वो भी सही है। अब इसके बाद आते हैं, इसका जो एड्रेस दिया है वो 400 दिया है। 400 पे कौन सा ये रहा डिब्बा जिसका आपका एड्रेस 400 है, तो ये आपका 4th नंबर पे आ गया। और देखिए इसका एड्रेस यहाँ दिया है। बचा आपका लास्ट 5th, 5th में देखिए आपका जो इसका एड्रेस यहाँ पर दिया 100 वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस। अब बचा आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है एक्स की वैल्यू, तो जो इसका एड्रेस होगा वही तो आपका यहाँ लिखाएगा एक्स की जगह पे, तो यानी कि आपकी जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो 70 हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर इसका एड्रेस यहाँ गया, इसका एड्रेस यहाँ गया, फिर ये 300 इसका एड्रेस यहाँ गया, 400 इसका एड्रेस यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर 400 इसका एड्रेस यहाँ, 100 इसका एड्रेस यहाँ। इस तरह से 100 इधर गया तो ये 70 का एड्रेस यहाँ, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई 70। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखते हैं पोस्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो रूल हम मैंने लिख दिया है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, ये आपका रूल है। इसको सिंपल सॉल्व करने का आप क्या करना है, आप पेन लेना, जो भी स्ट्रक्चर बना है उसी स्ट्रक्चर को उसी सीक्वेंस में ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देना। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, सिंपल आप वैसे ही ड्रॉ करते जाना। ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे ख़त्म हो रहा है पॉइंट, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, अब आपको स्टार्ट करना है जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से। सबसे ख़त्म कहाँ हुआ, ए पे, तो आपने लिख दिया ए, ए आप लिखा। ए के बाद आता है, यहाँ पे आप उल्टा चलोगे। ठीक है, अभी यहाँ से घूम के आप गए, यानी कि जिस रास्ते से आपका, मान लिया ये आपका एफ जो है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका घर है और आप गए अपने दोस्त के घर जो कि आपका ए है, तो आप उसके घर पहुँच गए, अब वापस आपको आना है। जिस रूट से गए उसी रूट से वापस आओगे, तो यहाँ सिंपल ए के पास गए, ए से वापस आ रहे तो ए लिख लिया, फिर इसके बाद सी, सी के बाद से आप ई पे आओगे, ई के बाद आई, आई के बाद डी, सॉरी डी नहीं, आई के बाद से आपका आ जाएगा एच, ई नहीं आएगा क्योंकि ई मैंने लिख लिया है, एच, एच के बाद देखो आप उसी रास्ते पर जा रहे हो घूम के, सी नहीं लिखो क्योंकि आप सी लिख चुके हो, ए नहीं लिखो लिख चुके हो, बी नहीं लिखा है तो आप बी लिखोगे, बी के बाद डी लिखोगे, डी के बाद एच, जी,
जी के बाद एफ, सिंपल आप उसी सीक्वेंस पे आ गए, अपने घर आ गए। तो यहाँ पे जब आपको पोस्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ पे एक ही रूल फॉलो करना है, भले ही इसका रूल है लेफ्ट राइट रूट, लेकिन आप अपना ट्रिक लगाना, जिस घर से गए हो घूम के उसी घर पे आना है, और जिसके घर गए हो जिस रूट से गए हो उसी रूट से आना है, दूसरा रूट फॉलो नहीं करना है। तो आप वही रूट फॉलो करना, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बाइनरी सर्च ट्री है, आपको ये दिया हुआ है और आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, यानी कि एरे दिया है, आपको इसका एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। और बाइनरी सर्च ट्री बनाने के बाद लोवेस्ट लेवल पे आपको कौन सा एलिमेंट है ये बताना है, ठीक है। तो हमने हमें बनाना है बाइनरी सर्च ट्री। तो हम बाइनरी सर्च ट्री में क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हम बना देंगे रूट। हमने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया 105, उसे बना दिया रूट। रूट बनाने के बाद सेकेंड जो एलिमेंट है 95, 95 को कंपेयर करेंगे। अगर 95 छोटा है 105 से तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाए, अगर बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे जाए, ठीक है। यहाँ बस यही फॉलो करना है, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट, यही फॉलो करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे 95 क्या बड़ा है 105 से, नहीं ये तो छोटा है, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया 95। उसके बाद देखेंगे 122, क्या 122 105 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, बड़ा है तो भैया तुम जाओ राइट में। तो हमने इसको भेज दिया राइट में, राइट में आएगा 122। अब देखेंगे 99, क्या 105 से बड़ा है, नहीं ये तो छोटा है, तो कहेगा 105 कि राइट में तुम्हें नहीं जाना है, तुम छोटे हो जाओ लेफ्ट में। तो चला गया लेफ्ट में, लेफ्ट में आएगा इसके घर रहने को आएगा, इसके घर आएगा 95, तो 95 क्या कहेगा कि तुम तो मेरे से बड़े हो तो तुम लेफ्ट में रूम नहीं लोगे, तुम लोगे राइट में रूम, तो उसको राइट वाले रूम में भेज देगा। तो यहाँ आ गया राइट में 99, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आ गया। फिर इसके बाद है 97, फिर 97 105 के पास जाएगा, इसको भी रूम लेना है, ठीक है। तो इसके पास जाएगा और कहेगा कि मुझे रूम चाहिए, तो वो क्या करेगा कंपेयर करेगा, 97 तुम तो मेरे से छोटे हो, तुमको राइट वाला रूम नहीं दूंगा, राइट वाला जो रूम है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, जो कि जो लोग बड़े बड़े लोग हैं वो लोग राइट में जाएंगे, और जो उम्र में छोटे हैं वो सब लेफ्ट में जा रहे हैं, तो आप छोटे हो तो आप लेफ्ट में जाओगे। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो बस रूम चाहिए। तो वो आगे लेफ्ट में, लेफ्ट में आएगा 97 के पास, 97 से बोलेगा कि मुझे रूम चाहिए, तो 95 क्या कहेगा कि 97 से तुम मेरे से बड़े हो तो तुमको राइट हैंड साइड पे जाना है, वहाँ पे जाके वहाँ पे आप रूम ले सकते हो। तो वो आएगा यहाँ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में जाएगा 99 के पास, और 99 से कहेगा कि मुझे रूम लेना है, तो वो कहेगा कि तुम मेरे से छोटे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में रूम खाली है, आप वहाँ जाके रह लो। तो ये क्या करेगा लेफ्ट हैंड साइड में भेज देगा, और यहाँ पे देखिए इसको रूम मिल गया 97 को। उसके बाद से लास्ट एलिमेंट बचा है 120, 120 भी जाएगा रूम लेने, कहेगा 105 से कि मुझे रूम लेना है, तो 105 कहेगा तुम मेरे से बड़े हो तो यानी कि तुम जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 122 के पास आया, इससे रूम मांगा, तो 122 कहेगा कि तुम मेरे से छोटे हो तो तुमको मैं लेफ्ट वाला रूम दूंगा। तो इसको क्या कहा कि लेफ्ट वाला जो रूम है वो इसको दे दिया, तो यहाँ पे इसको रूम मिल गया, यानी कि जितने भी एलिमेंट है सबको रूम मिल चुका है, सब अपने अपने घरों में जा चुके हैं। अब हमें क्या चेक करना है, लेवल बताना है कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पे आप देखो ये आपका होता है फर्स्ट लेवल, ये है सेकेंड लेवल, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, सबसे लास्ट लेवल पे यही है, और सबसे लास्ट लेवल का एलिमेंट पूछा गया है, तो सबसे लास्ट लेवल पर 97 है, यानी कि सबसे लोवेस्ट जो लेवल का एलिमेंट है वो आपका 97। तो इसका आंसर हो जाएगा 97। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा खासा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको कॉम्प्लिसिटी बताना है डबल लिंक लिस्ट का, तो इसकी कॉम्प्लिसिटी ये होती है ओ एन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लिंक लिस्ट इज कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो जो लिंक लिस्ट होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है, तो यहाँ पे आपको जो डायनेमिक होगा वो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपके एक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 546 प्लस मल्टीप्लीकेशन 493 डिवीजन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा यूज़ करोगे स्टैक का। तो यहाँ पर स्टैक मैंने आपको बताया था, स्टैक का क्या रूल है कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5, 4, 6 यहाँ पे स्टैक में फिल कर लिया। अब इसके बाद ऑपरेशन क्या है 5 का, तो आपको यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। तो जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो एक एलिमेंट पे करेंगे नहीं, हमेशा दो एलिमेंट पे करेंगे। यहाँ के फर्स्ट के दो एलिमेंट को हम ले लेंगे, फर्स्ट के दो एलिमेंट है 6 एंड 4, और इसमें हम यहाँ पर साइन किसका प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ये आपका आ जाएगा 10, तो 5 और 10 आ गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, क्या लिखा है मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों एलिमेंट का, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे आ जाएगा 50। 50 आने के बाद आपको क्या करना है कि 493 ये चीज़ें आपको इंसर्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे आपको फिल कर दिया, 493 फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे आपके डिवीजन है, इसको डिवाइड करेंगे 9 और 3 में। तो हमने बताया जब इस टाइप का साइन होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रिमाइंडर कंसीडर करते हैं, बट अगर परसेंट रहता है तो कोसेंट को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर कंसीडर करेंगे, तो जब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। इसके बाद आपका प्लस ऑपरेशन है, तो 3 और 4 को प्लस कर देंगे, प्लस करके आ गया आपका 7। उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर देगा 350। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो 350 होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे जैसे दिया वैसे वैसे आप करते चाहिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका है इनफिक्स को प्रीफिक्स बनाना है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, तो इनफिक्स को प्रीफिक्स बनाने के लिए देखते हैं रूल क्या है। पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। यहाँ पे रूल है आपका, 3 रूल है। पहले आप क्या करोगे जो भी इनफिक्स दिया है उनको रिवर्स कर देना, फिर उसमें पोस्ट फाइंड करना, और उसके बाद से अगेन फिर उसको रिवर्स कर देना। कैसे अब देखते हैं, यहाँ पे आपको पहला क्या कहा क्या किया है क्या करना है आपको रिवर्स करना है। तो जब रिवर्स करोगे तो आपको रिवर्स करने के बाद डी प्लस सी इंटू बी प्लस ए, रिवर्स करने के बाद आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है पोस्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों में प्लस है, प्लस को आप बाहर भेज दोगे, तो डी सी प्लस बाहर हो गया। अभी मल्टीप्लीकेशन बी और ए के बीच में प्लस है, इसको भी आप बाहर भेज दोगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा डी सी प्लस मल्टीप्लीकेशन बी ए प्लस। अब आप देखिए इन दोनों का तो जो प्लस है वो बाहर आ गया, ये इन दोनों एलिमेंट के बीच में आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन है, अब उन्हें भी बाहर करना है, तो उनको भी बाहर कर दो आप, वो बाहर इधर आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह जाएगा सी डी सी प्लस बी ए प्लस मल्टीप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है कि जो आपका पोस्ट फिक्स आया हुआ है इस पोस्ट फिक्स को रिवर्स कर देना है, जो भी आंसर आपके पोस्ट फिक्स के आए हुए हैं, तो पोस्ट फिक्स के जो आंसर है उनको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आपका आ जाएगा प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी प्लस सी डी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको बताना है बाइनरी सर्च ट्री का इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपका ऑप्शन ये वाला ट्रू हो जाएगा, राइट नोड पेरेंट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड बाइनरी सर्च ट्री के लिए, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। 15 है क्यू फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो को फॉलो करता है, फीफो प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बबल सॉर्ट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपका है थीटा एन, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, या फिर ओ एन कह सकते हो या फिर थीटा एन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो मैं अभी बताई थी उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे पहले स्टैक में इन सबको फिल कर दोगे, तो 6, 5, 2, 3 फिल हो गया। इसके बाद प्लस साइन है, तो फर्स्ट के दो एलिमेंट को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 8 लिख लिया। फिर इसके बाद से आपका है 3 प्लस 2 ऐड करने पर 5 आ गया, तो आपने 5 लिख लिया। 5 लिखने के बाद ये जो ऐड है इस ऐड को एंटर करोगे, एंटर करने के बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो फर्स्ट जो दो एलिमेंट है उन पर आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दोगे, परफॉर्म करने में आपका आ गया 40। फिर इसके बाद से क्या है आपका प्लस, तो 40 प्लस 5 यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर लिया, आ गया आपका 45 क्लिक कर दिया, और ये 3 चला गया इसके ऊपर अंदर आ गया। ठीक है, स्टैक के फिर क्या करना है आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन के लिए फर्स्ट दो एलिमेंट 3 प्लस 45 आपका आंसर आ जाएगा 48। उसके बाद आपका है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जो दो एलिमेंट बचे हैं इन दोनों पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दोगे, आपका आंसर आएगा 288, जिसका आंसर जो होगा आपका होगा 228। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर पोस्टेट ऑर्डर बताना है। ठीक है, आपको इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है,
तो मैंने अभी आपको बताया था जिस घर से निकलो, जिसके घर जा रहे हो, जिस रूट से जा रहे हो उसी रूट से जाना, उसी रूट से वापस आना है। तो वही चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं डी से जाना, ठीक है। डी से गए, ऐसे से घूमते हुए अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो ऐसे गए। यहाँ पे हमने ए के पास आ गए, ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हमें यहाँ से वापस आना, तो हम बताए थे जिस रूट में गए उसी रूट से जाएंगे। तो आप यहाँ से जब वापस आओगे तो पहले आ रहा है ए, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया ए। मैं जो बोल रही हूँ आप नीचे मिलाते जाना, वही वही सीक्वेंस यहाँ आप लिखा है। एक ए लिखा, ए के बाद से सी लिखेंगे, सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद आप लिखोगे एच। एच क्योंकि एफ तो लिखा चुका है, एच लिखोगे। एच के बाद आप लिखोगे ई, क्योंकि सी लिखा चुका है, ई लिखोगे। ई के बाद जी लिखोगे, जी के बाद आप लिखोगे बी, बी के बाद लिखोगे डी। तो सिंपल ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरह से, आपको यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। क्यों फिल करना है, तो यहाँ सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है क्यों। यहाँ पे पहले आपको इंसर्ट करना है लेमन, तो हमने देखा आपको इस तरह से सर्कल दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा, बस आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आंसर बताना है, स्टेप दिए हुए। क्या करना है, पहले इंसर्ट करना है लेमन को, लेमन को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद से हमें इंसर्ट करना है जीरो इंडेक्स पे लेमन हो गया, फिर इसके बाद 22, 33, 34, 44 एंड 45 को इंसर्ट करना है। यहाँ पर 22, 33, 44 एंड 45 को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि डिलीट एंड एलिमेंट, एक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो आप इंडेक्स जीरो से ही डिलीट करोगे, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको बोला है फिर से अगेन आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो आप 22 भी डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद आपको जो आंसर बचेगा वही आपको बताना है। तो आपका आंसर कितना बचा, 55, 44 एंड 33। और ये जो आपका फर्स्ट है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो आपके ऑप्शन में चार डायग्राम दिए होंगे, जिसमें से ये वाला डायग्राम जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये था टोटल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन भी था, थ्योरी भी था और डाउट भी था, जो कि मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपडेट डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।